नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है कच्ची दरगाह बिदुपुर सिक्स लेन एक्स्ट्रा डोज केबल स्टे ब्रिज के न्यू अपडेट में। तो आज का जो अपडेट है वो मैं आप लोगों को 50 नंबर पेयर से लेकर के 24 नंबर पेयर तक लेकर के जाऊंगा और आप लोगों को तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का ये प्रयास करूँगा कि कितना पेयर टेबल में काम चल रहा है और कितना पेयर टेबल में काम बाकी है। जो कि आप सामने देख सकते हैं, ये जो आप पेयर आप लोग देख रहे हैं ये 51 नंबर का पेयर है जिसमें इसका पेयर टेबल बनना बाकी है। और इसमें देख लीजिए जो कॉलम का जो कंक्रीट है वो चल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं मिलर वाला गाड़ी भी है और दोनों साइड में बूम प्रेशर लगा हुआ है जो कि बूम प्रेशर के जरिए यहाँ पर कंक्रीटिंग का काम हो रहा है। उसके बाद जो है 51 नंबर सामने का जो पेयर है वो 51 नंबर है और जो पेयर पे मैं खड़ा हूँ ये 50 नंबर का पेयर है। लास्ट टाइम जो मैं आप लोगों को अपडेट दिया था इसका पेयर टेबल बन के तैयार नहीं हुआ था, लेकिन अभी जो मैं चल रहा हूँ वो पेयर टेबल के ऊपर चल रहा हूँ क्योंकि इसका कंक्रीटिंग का काम हो गया है और इसका ढलाई भी हो गया है जो कि आप देख पा रहे होंगे। और इसका साथ ही साथ जो है इसका टावर का जो काम है वो भी देख लीजिए काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। पेयर टेबल जैसे ही बन के तैयार हुआ उसका टावर का भी काम देख लीजिए कितना फास्ट हो गया, इसका सरियाबंदी कर दिया गया है और देख सकते हैं यहाँ पर कितना सारा घना, मतलब ये जो जंगला बना हुआ है देख सकते हैं ये सरिया का काफ़ी हेवी, मतलब समझ लीजिए स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है। और ये सरिया जो आप लोगों को दिख रहा होगा इतना मोटा मोटा सरिया, ये 36 mm और 32 mm और 16 mm का भी इसके अंदर सरिया का यूज़ किया गया है जो कि इसका देख सकते हैं इसका जो डायगोनल लेंथ है 2 मीटर रखा गया है। ये जो मोटा वाला सरिया आपको दिख रहा होगा ये 36 mm का सरिया है जो कि 36 mm का सरिया काफ़ी हेवी होता है। जनरली हम लोग घर में जो यूज़ करते हैं 8 mm का, 10 mm का और 12 mm का और 16 mm लास्ट यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ये जो टावर का काम चल रहा है इसमें 36 का सरिया और 32 का सरिया और 16 का जो है रिंग डाला गया है जो कि देख पा रहे होंगे कितना हेवी स्ट्रक्चर है। यही वो टावर है जिसमें एक्स्ट्रा डोज केबल लगना है जो कि आप लोगों को मैं इधर दिखाऊं, देख लीजिए इधर में टावर बनके इसका तैयार है, इसमें अभी एक्स्ट्रा डोज केबल तो लगा नहीं है जो कि आप देख, पहले जो मैं आप लोगों को अपडेट दिया हूँ 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर और बहुत सारे पेयर है जिसमें एक्स्ट्रा डोज केबल लगा हुआ है। तो यही वो टावर है जिसमें देख सकते हैं इसके अंदर एक्स्ट्रा डोज केबल लगना है और ये जब ढलाई हो जाएगा उसके बाद इसके अंदर लगेगा। अभी ये सरियाबंदी करके कंप्लीट है, इसका शटरिंग लगना बाकी है, शटरिंग लगने के बाद इसका जो है कंक्रीटिंग का काम होगा। कंक्रीट किस तरह से होगा, जो सामने जो आप देख रहे हैं ये बूम प्रेशर जो आप लोग देख पा रहे होंगे रेड कलर का, उसी के जरिए जो है इसका भी कंक्रीट होना है। सामने का जो पेयर है वो 51 नंबर का पेयर है। तो चलिए आप लोगों को नीचे से लेकर के चलते हैं और 24 नंबर पेयर तक लेकर जाएंगे आप लोगों को, और मैं आप लोगों को पेयर बाय पेयर जो है नंबरिंग कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगा कि कौन सा पेयर कितना नंबर का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पाया आप देख रहे हैं ये 50 नंबर का पाया है और मैं नीचे आ गया हूँ और यहाँ से आप लोगों को 24 नंबर तक लेकर के जाएंगे। तो वीडियो में बने रहें, आप लोग बारीकी से पेयर का देखें अपडेट। यहाँ पर जो देख सकते हैं ये पेयर 49 नंबर का पेयर है और सामने का जो पेयर है वो 48 नंबर का भी पेयर है। यहाँ पर देख लीजिए ये 49 नंबर का पेयर टेबल जो है बन के तैयार है और इसका डी शटरिंग का भी काम हो गया, सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर यहाँ पर लगा हुआ है और इसको बहुत जल्द जो है रिमूव कर दिया जाएगा। इसमें देख लीजिए इसका जो पेयर टेबल काफ़ी टाइम से बन के तैयार है लेकिन इसमें अभी जो टावर का काम है, जो एक्स्ट्रा डोज का जो अपर पायलन का जो टावर का काम है उसका काम थोड़ा सा बचा हुआ है क्योंकि अभी भी इसमें काम एक लिफ्ट जो है समझ लीजिए बचा हुआ है, लास्ट लिफ्ट कह सकते हैं। और ये जो आप पाया दिख रहे हैं 48 नंबर का पाया है और सामने का जो पाया आप लोगों को दिख रहा होगा वो 47 नंबर का पाया है और 47 नंबर का पाया में भी इसका अपर पायलन का जो सेकेंड लिफ्ट जो है उसका अभी कंक्रीटिंग का काम भी बचा हुआ है। तो बहुत जगह पे काम चल रहा है, जो पेयर टेबल है 51, 52, 53 पे भी काम चल रहा है, 56, 57 पे भी काम चालू हो गया है, उसका भी बहुत जल्द आप लोगों को अपडेट मिलेगा। तो ऐसे ही अपने चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखिए, आप लोगों को अपडेट देखने को मिल जाएगा। और ये जो पाया आप लोगों को दिख रहे हैं ये 46 नंबर का पाया है और 46 नंबर का पाया का भी अपर पायलन का काम बचा हुआ है, बहुत जल्द जो है इसका बन के तैयार हो जाएगा। और ये जो पाया आप लोग देख रहे हैं ये तो ये जो 45 नंबर का पाया है इसका भी देख लीजिए अपर पायलन का काम बचा हुआ है। पेयर टेबल बन के तैयार है पूरी तरह से, इसका अपर पायलन का जो टावर का काम है एक्स्ट्रा डोज जिसमें लगना है वही काम बचा हुआ है, बाकी सब कम हो चुका है। उसके आगे का जो पेयर है वो 44 नंबर का पेयर है, उसका मैंने आप लोगों को काफ़ी बार अपडेट दिया है। तो इसका जो पेयर है पेयर टेबल भी बन के तैयार है और इसका टावर का भी काम समझ लीजिए तैयार है और बहुत जल्द जो है समझ लीजिए कि ये सब पेयर में जो है लॉन्चर लगेगा। लॉन्चर लगने के बाद जो है यहाँ पर जो लॉन्चिंग का काम है वो भी चल रहा है। लॉन्चिंग का काम जो बेसिकली चल रहा है वो 20 नंबर के पास से लेकर के आप लोगों को 13 नंबर तक काम चल रहा है, जो लॉन्चिंग का काम है
वो 13 नंबर से समझ लीजिए 20 नंबर पाया तक जो है अभी फिलहाल चल रहा है, जो कि आप लोगों को मैंने पहले भी इसके पहले जो अपडेट वीडियो मैंने आप लोगों को अपलोड किया था वो लॉन्चिंग से रिलेटेड था। जो लोग नहीं देखे हैं वो जाकर के चैनल पर देख लीजिए लॉन्चिंग का, जो किस तरह से लॉन्चिंग किया जाता है, किस तरह से सेगमेंट को उठाया जाता है, वो सारे डिटेल्स मैंने उसमें वीडियो में दिया है। ये सामने जो पेयर देख रहे हैं आप लोग 43 नंबर का पेयर है, उसके आगे 42 नंबर का पेयर है, क्योंकि मैं बिदुपुर के साइड जा रहा हूँ, बिदुपुर के साइड से जा रहा हूँ पटना के साइड। आपको 24 नंबर पाया भी दिखाएंगे, राघोपुर का रैम भी आप लोगों को दिखाने का कोशिश करेंगे। ये जो पाया आप लोग देख रहे हैं ये 42 नंबर का पाया है, और 42 नंबर का पाया में भी देख सकते हैं अपर पायलन का जो काम है वो भी फाइनली हो चुका है और इसका पेयर टेबल भी बन के तैयार है। मैं आप लोगों को ये तस्वीर बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कितना पेयर में काम बचा हुआ है। ये जो पेयर देख रहे हैं वो 41 नंबर का पेयर है, और 41 नंबर के पेयर में भी पेयर टेबल और इसका अपर पायलन का जो टावर का काम है वो कम्प्लीटली रेडी है, जो कि आप देख सकते हैं। ये सैफाबाद के पास मैं पहुंच गया हूं, जो कि सामने वाला जो पेयर है वो 40 नंबर का पेयर है। ये यहां पर देख लीजिए, ये जो गाँव आप लोगों को दिख रहा होगा ये सैफाबाद यहाँ पर गाँव है, और यहाँ पे जो है थोड़ा आबादी है, यहाँ पर सैफाबाद के लोग भी यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पर एक दुकान भी है जो कि आप लोगों को मिठाई उठाई या चाय नाश्ता का जो भी जुगाड़ यहाँ पर समझ लीजिए मिल जाएगा। ये जो पेयर आप लोग देख रहे हैं ये 40 नंबर का पेयर है। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो जाता है, लेकिन आप लोगों को मैं पेयर का बारीकी से अपडेट देने का प्रयास करता हूँ। आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन भी आप लोगों के लिए खुला हुआ है, या इंस्टाग्राम पे भी आप लोग DM कर सकते हैं, और फेसबुक पेज को भी आप लोग लाइक कर सकते हैं, वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं आप। तो कहीं पर भी आप कोई भी दिक्कत रहेगा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप इसी तरह से समझ लीजिए जो पेयर बन के तैयार हो गया है उसका मैं तस्वीर आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो ऐसे वीडियो में बने रहें और आगे का तस्वीर जो है आप लोग गिनती करते चले जाइए, मैं वैसे बता रहा हूं आप लोगों को पेयर बाय पेयर, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा। ये 39 नंबर का पेयर है, उसके बाद जो है सो 38 नंबर का पेयर आएगा, फिर 36 नंबर, फिर 37 नंबर, इसी तरह से जो है सो 37 नंबर 36 नंबर का पेयर आता ही रहेगा। और काम जो चल रहा है वो मैं आप लोगों को 34 नंबर के पास भी आप लोगों को दिखाएंगे। 34 नंबर का जो पेयर का काम चल रहा है, जो कि ज़मीन के अंदर ही है, समझ लीजिए ग्राउंड लेवल के ऊपर आ गया है, वो भी आप लोगों को तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। तो आगे जाएंगे फिर आप लोगों को दिखाएंगे। और ये सामने का जो पेयर देख रहे हैं वो 37 नंबर का पेयर है, उसके बाद आगे का जो पेयर है वो 36 नंबर का पेयर है। तो ये जो पेयर है इसका भी पेयर टेबल बन के तैयार है, अपर पायलन का काम बचाओ तैयार है। ये 36 नंबर के पेयर में देख लीजिए अपर पायलन का भी काम हो चुका है, यहाँ पे 2 किरान है जो कि इसको डीशटरिंग का जो काम है वो चल रहा है। यहाँ पर जो अपर पायलन जो एक्स्ट्रा डोज टावर ऊपर में आप लोगों को दिख रहा है उसका डीशटरिंग का जो मतलब शटरिंग को रिमूव करने का जो काम है वो यहाँ पर देख लीजिए दोनों साइड से किरान के माध्यम से हो रहा है यहाँ पर काम। और ये जो पाया आप लोगों को दिख रहा है, पाया आप लोगों को दिख रहा है ये 35 नंबर का पाया है, और 35 नंबर के पाया में भी देख सकते हैं पेयर टेबल बन के तैयार है। इसका एक्स्ट्रा डोज का टावर का जो काम है वो भी बन के यहाँ पर तैयार है। ये आता है 34 नंबर, 34 नंबर का देख लीजिए, आप लोगों को पेयर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए कंक्रीटिंग का काम हो रहा है, जो ग्राउंड लेवल के ऊपर आने वाला है पेयर उसमें देख लीजिए यहाँ पर कंक्रीट किया जा रहा है धीरे धीरे, इसका भी काम काफ़ी तेज़ी से मतलब हो रहा है। अब जो है इस बार समझ लीजिए 2022 में ये बन के ये पेयर टेबल भी बन के बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। आप लोगों को मैं दिखाऊँगा इसका हर एक अपडेट आप लोगों को दिखाऊँगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर कंक्रीटिंग का काम हो रहा है, मिलर वाली गाड़ी भी यहाँ पर आके लगी हुई है, और बूम प्रेशर के माध्यम ये जो गाड़ी आप लोगों को दिख रहा होगा हाथी जैसा, ये इसका नाम बूम प्रेशर है। और ये 34 नंबर के पेयर में जो है कंक्रीट का काम हो रहा है, अभी तक तो ये ज़मीन के ऊपर आ गया है लेकिन और थोड़ा सा ऊपर आएगा तो आप लोगों को दिखने लग जाएगा। तो ये जो पेयर आप लोग देख रहे हैं ये 33 नंबर का पेयर है, इसका मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम अपडेट दिया था, इसका अपर पायलन का जो टावर का काम है वो उसके उस टाइम में डीशटरिंग का काम हुआ था, अभी देख सकते हैं इसका फाइनल काम हो गया है, डीशटरिंग भी हो गया और इस पेयर टेबल और अपर पायलन का जो काम है वो भी बन के तैयार है। और ये जो पाया आप लोगों को दिख रहे हैं ये 32 नंबर का पाया, इसका जो अपर पायलन और पेयर टेबल है काफ़ी टाइम पहले इसका पेयर टेबल बन के तैयार हो गया था, तो आज भी आप लोगों को तस्वीरों में दिखाऊं, लगभग इसका जितना भी पेयर टेबल है ना सब बन के तैयार है, कहीं कहीं पे पेयर टेबल बनना बाकी है, बाकी जो काम बचा हुआ है समझ लीजिए लॉन्चिंग का ही काम बचा हुआ है, लगभग जितने भी काम इसमें समझ लीजिए मोस्टली बचे हुए हैं वो लॉन्चिंग से ही रिलेटेड है। लॉन्चिंग थोड़ा सा और फास्ट हो जाता तो और इस प्रोजेक्ट के लिए बेटर होता, मतलब बहुत जल्द तैयार हो जाता, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि 2023 में ये कम्प्लीट हो पाएगा, जिस रफ्तार से जिस हिसाब से काम चल रहा है लॉन्चिंग का काम जिस तरह से चल रहा है उस हिसाब से लग नहीं रहा है कि 2024 में भी ये पुल बनके तैयार होगा, क्योंकि ये उत्तर से लेकर के दक्षिण से लेकर के उत्तर तक जो जाने वाला है बिदुपुर से लेकर के आपको कच्ची दरगाह NH
NH 30 और NH 103 में जाकर के ये मिलेगा। बिदुपुर के साइड जो है NH 103 में जाकर के ये कनेक्ट होगा, और जो NH 30 है कच्ची दरगाह के साइड, वहाँ से समझ लीजिए इसका कनेक्टिविटी है NH 30 से, जो NH 30 फोर लेन जो है वहाँ से जो है इसका डायरेक्टली समझ लीजिए कनेक्टिविटी होगा। वहाँ पर रैंप उतरेगा, उसके बाद सबलपुर के पास भी रैंप उतरेगा, और ये पुल का जो टोटल लेंथ है 22.760 मीटर है, और जो मुख्य पुल है वो 9.76 किलोमीटर रखा गया, जो एक्स्ट्रा रोज केबल वाला है। इस पुल के अंदर जो है 8 रैंप शामिल है, 8 रैंप मतलब उतरेगा इस पुल से। तो चलिए आगे आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये 28 नंबर का पेयर है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर दोनों साइड में सेगमेंट रखा हुआ है, काफ़ी टाइम से रखा हुआ है, लेकिन अभी तक इसको भी लॉन्चिंग नहीं किया गया है। ये जो पेयर आप लोग देख रहे हैं ये 27 नंबर का पाया है, 27 नंबर के पाया में भी देख सकते हैं लॉन्चर लगा हुआ है, लेकिन लॉन्चिंग का भी जो है काम थोड़ा सा स्लो चल रहा है। हाँ, हालांकि फास्ट चल रहा है, 16 नंबर के पास काम चल रहा है, ये 27 नंबर का पाया है, उसके बाद आगे का जो पाया दिख रहा है आप लोगों को ये 26 नंबर का पाया है, और 26 नंबर के पाया में भी देख सकते हैं यहाँ पर लॉन्चर लगा हुआ है, दोनों साइड में लॉन्चर लगा हुआ है। अगर कंपनी चाहे तो बहुत जल्द इसको भी लॉन्चिंग चालू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तो चालू हुआ नहीं। जैसे कुछ होगा यहाँ पर आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से अपडेट जरूर कर दूंगा। और आगे का जो पाया है वो 25 नंबर का पाया है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर ही एक रैंप उतरने वाला है, जो कि राघवपुर के पास मैं पहुँचने वाला हूँ। राघवपुर के पास जो रैंप उतर रहा है उसका ये आप लोगों को तस्वीर दिख रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं एक पाया दिख रहा होगा, ये 25 नंबर का पाया है, उसके आगे 24 नंबर का पाया है। 24 नंबर का पाया भी जो समझ लीजिए ग्राउंड लेवल के ऊपर समझ लीजिए आ गया है, उसका भी कॉन्क्रीटिंग का काम हो गया, इसका भी देख लीजिए कॉन्क्रीट का काम हो गया है, काफ़ी टाइम से ये समझ लीजिए काम चल रहा था यहाँ पर, और अभी बन के तैयार है। ये 25 नंबर का पाया है, उसके आगे 24 नंबर का पाया है, और सामने आप लोगों को थोड़ा थोड़ा तस्वीर दिखाएंगे राघोपुर का भी आप लोगों को, थोड़ा रैंप जो उतरेगा यहाँ पर दोनों साइड से रैंप उतरेगा, देख लीजिए, मतलब राघोपुर के साइड भी उतरेगा और इधर में दियारा के क्षेत्र में उधर भी रैंप उतरेगा, तो दियारा के क्षेत्र को जो है काफ़ी आसानी हो जाएगा जाने आने के लिए रैंप के सहारे। मतलब राघोपुर वाले भी चाहेंगे तो आराम से रैंप के जरिए जो है पटना के साइड, बिदुपुर के साइड जा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये 24 नंबर का पाया है, जो कि ग्राउंड लेवल के ऊपर आ गया है, लेकिन अभी भी काम चल रहा है। आई होप कि आप लोगों को भी ये अपडेट और ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं तो अच्छा लग रहा होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये राघोपुर का रैंप का पाया है, जो कि आप लोगों को तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं इसका ग्राउंड लेवल के पाया ऊपर आ गया है, आपको इसका भी अपडेट आप लोगों को बहुत जल्द मिलने वाला है। सामने देख सकते हैं मेरे राइट साइड में कास्टिंग यार्ड है, और कास्टिंग यार्ड के ठीक सामने जो है देख सकते हैं 22 नंबर पाया है। तो चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।